माई रिक्वेस्ट टू प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज आस्क आज की क्लास में, रादर कि मैं बोलूं आप लोग अपने डाउट्स बताइए जी आज। यस बच्चों, कोई डाउट नहीं है? यस, मैं फिर पूछ लेता हूं बच्चों से। हाँ जी, अंशिका टेन ई, अंशिका कैन यू हियर मी? अंशिका कैन यू हियर मी बेटा? यस सर, यस, बताइए बच्चे, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गया? यस सर, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन सिक्सटी डिग्री? अंडर रूट 3। अंडर रूट थ्री। एंड कॉट 30 डिग्री? 1 अंडर रूट 3, वन अंडर रूट थ्री मतलब वन मल्टीप्लाइड बाय या वन डिवाइड बाय? 1 डिवाइड बाय हाँ, तो कैसे बोलते हैं बेटा उसको? वन अपॉन अंडर रूट थ्री, राइट? वन अपॉन, यस सर, ठीक है, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? यस टेल मी, सिट डाउन। हाँ जी, जशनदीप टेन ए, जशनदीप टेन ए, इज जशन प्रेजेंट? टेन ए जशन इज देयर और नॉट? राइट जी। देन रूबी टेन बी, रूबी कैन यू हियर मी? यस। हाँ जी बच्चे, आपके पास असाइनमेंट है बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरे को माइक के पास आके बोलिए। यस सर, असाइनमेंट ले लीजिए हाथ में बेटा, मॉड्यूल टू ओपन कीजिए। हाँ जी, यहाँ पे बेटा एक हमारे पास क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ प्रूव द फॉलोइंग में। कैन यू सी द क्वेश्चन? यस सर, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 1 + 10² ए प्लस 1 + 1/10² ए इज इक्वल्स टू 1/sin² ए माइनस साइन रेस्ट टू पावर 4 ए। हाँ जी, कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, प्लीज बताइए जरा। बाय फर्स्टली अप्लाइंग द आइडेंटिटी 1 + 10² ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। राइट, और आगे? देन ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर कैसे लगेगा बेटा? नहीं, कमेंट्री पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने आप बताइए, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं उसको भूल जाइए। सिट डाउन। हाँ जी, सुमिति टेन ई, यस हाँ जी बेटा आगे कंटिन्यू कीजिए इसी क्वेश्चन को, बताइए आगे क्या करना है। इन्होंने जो फर्स्ट स्टेप बताया कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है 1 + tan² है, इसके प्लेस में हमने सीकेंट स्क्वायर ए लिख दिया, उसके बाद क्या करना है हमें? सर, अप्लाई अलजेब्रिक और रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन। बेटा मैंने आपसे पॉइंट्स नहीं पूछे हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्लीज टेल मी। हाँ जी, नोबडी विल हेल्प यू, यू हैव टू टेल मी योर सेल्फ। यस, आता है नहीं है? नहीं आता है बेटा, सिट डाउन। क्रिश चौधरी, क्रिश कैन यू हियर मी? क्रिश सर प्लीज टेल मी वेदर ही इज प्रेजेंट और नॉट। द टीचर प्रेजेंट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, वेन एवर आई कॉल एनी स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर ही और शी कम्स टू द माइक एंड आंसर माई क्वेश्चन। कैन टीचर, कैन यू हेल्प मी आउट ऑफ? टीचर्स, यस मैम, सेक्शन 10D, आई कैन सी द मैम, मैम प्लीज मेक श्योर
कि जिन बच्चों को मैं बुला रहा हूँ वो अगर अवेलेबल है तो प्लीज कम ऑन द माइक। अभिलाषा फ्रॉम 10D। हाँ जी बच्चे बताइए आगे क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में। असाइनमेंट कहाँ पे आपकी? प्लीज टेक फ्रॉम समवन। फिफ्थ क्वेश्चन मॉड्यूल टू, प्रूव द फॉलोइंग में 1 + tan² a को हमने लिख लिया secant² a। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हाँ जी आवाज नहीं आ रही है बच्चे आपकी। नो देर इज सम इश्यू विद द माइक, प्लीज सिट डाउन। नाउ वी मूव टू द सेक्शन बी। हर्षित हर्षित 10B। यस सर। बेटा क्या करेंगे आगे इस क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन? यस टेल मी यस और नो। आता है नहीं आता बेटा आपको? बैठ नो जाइए। देखिए बच्चों क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर। 1 + tan² a 1/tan² a। अपन स्टूडेंट्स व्हाट अपन, दिस वी हैव टू प्रूव। कैसे करेंगे बच्चे इसको? लेफ्ट हैंड साइड ली, दिस कैन बी रिटन एज secant² a प्लस, अच्छा बीच में प्लस साइन है राइट। सो नाउ 1/tan² a कैन बी रिटन एज cot² a। इज दिस क्लियर, राइट और नॉट बच्चों? नाउ 1 + cot² a इज इक्वल टू, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है जी? यस टेल मी स्टूडेंट्स। और सीकेंड्स भी आ रहे हैं। secant² a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? हमें जो प्रूव करना है वो है 1/sin² a माइनस sin 4 a। यस कौन बताएगा नेक्स्ट स्टेप? चेतन 10D। माइक ऑन कीजिए। हाँ जी बताइए बेटा। यस चेतन टेल मी क्या करना है बेटा ने? नहीं आई एम नॉट एबल टू हियर यू, लीव इट बेटा, समथिंग इज रॉन्ग विद योर माइक। सेक्शन 10C दानिश, सेक्शन 10C। सर वी विल कन्वर्ट इट इनटू 1/cos² a + 1/sin² a। वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? एलसीएम। लेंगे राइट जी, प्लीज सिट डाउन। वेरी गुड, हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम sin² a इंटू cos² a, और न्यूमरेटर में आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ न्यूमरेटर में वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी, दिस विल बिकम 1/sin² a। नाउ वी हैव टू प्रूव sin² a माइनस sin 4 a। तो cos² a में आप आइडेंटिटी लगा दीजिए, दैट इज 1 - sin² a। सो इसको आपने सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, दिस विल बिकम 1/sin² a माइनस sin 4 a।
एंड दिस वी वर सपोज टू प्रूव, हमें बच्चों यही प्रूव करना था। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए जी। क्वेश्चन तो आप लोगों ने बच्चों ने आंसर नहीं किए मेरे, बट स्टिल आप लोगों को किसी को भी डाउट है प्लीज लेट मी नो, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। आप लोग जितने क्वेश्चन पूछोगे बेटा आपके लिए उतना बेटर रहेगा, उतनी आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे ठीक है, आप सुन के चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप जवाब नहीं देते, आप क्वेश्चन पूछते नहीं है। चलिए प्लीज नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया बच्चों नोट, चले आगे। अब सर हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी बच्चे, और कौन कौन से क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मैं कराऊं इसमें मॉड्यूल टू में? यस टेल मी विच क्वेश्चन यू वांट मी टू कवर। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है जी। वन प्लस टेन ए टेन बी होल स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस टेन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट। बच्चों यहाँ पे सारा कुछ टेन में है और आंसर चाहिए हमें सेकेंड में, सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, विल एक्सपैंड इट। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, सो व्हाट वी गेट, वन प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस टू टेन ए टेन बी राइट जी। यहां तक किसी कोई डाउट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी राइट प्लस सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे जी, सेम चीज है। सो नाउ व्हाट वी यू आर लेफ्ट विथ, वन प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस राइट। बच्चों इज दिस क्लियर? अब आप ग्रुपिंग कर लीजिए दिस टर्म एंड दिस टर्म सेपरेट। और इन दोनों टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है दिस टर्म और दिस टर्म में से? टेन स्क्वायर बी, तो यू आर लेफ्ट विथ, इज दिस स्टेप क्लियर बच्चों? इज दिस स्टेप क्लियर और नॉट? हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की ग्रुपिंग कर दी अलग से ये वाली, और सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म की अलग से ग्रुपिंग कर दी। सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म की ग्रुपिंग की तो वहां से टेन स्क्वायर बी कॉमन आ गया एंड वी आर लेफ्ट विद वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इन दोनों टर्म्स में से वन प्लस टेन स्क्वायर ए आपने कॉमन ले लिया, सो यहां से बच के आपके पास वन प्लस टेन स्क्वायर बी। ये स्टेप क्लियर है बच्चों? यस। करेंगे बड़ा सिंपल है जी, हमें सीकेंट स्क्वायर ए इंटू सीकेंट स्क्वायर बी प्रूव करना है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है,
वन प्लस टेन स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है जी? एंड वन प्लस टेन स्क्वायर बी, स्क्वायर तो हमारा आंसर आ गया, दिस इज योर इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्लीज नोट बच्चों, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आपको जैसे फैक्टराइजेशन मेथड करते हो ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो सेम चीज यहाँ पे है, ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन थे, आप लोगों को ग्रुपिंग करनी थी बस, राइट? हाँ जी बेटा, कौन सा स्टेप? लास्ट है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमने इनको एक्सपेंड कर दिया, जब एक्सपेंड किया तो ये प्लस टू टेन ए टेन बी था और ये नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट? सो अब हमने क्या किया, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अलग से फैक्टर बना दिया, और दूसरी जो टर्म बची है उनमें से टेन स्क्वायर बी को कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम चीज बच गई है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट? यस और नो? तो अब वन प्लस टेन स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो यहां से वन बच गया, यहां से टेन स्क्वायर बी। देखिए बच्चों, आप एलजेब्रा के अंदर करते हो ना, सपोज आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, तो पहली दो टर्म्स में से आपने एक्स कॉमन ले लिया, दूसरी टर्म्स में से माइनस टू कॉमन आया, ऐसे आता है जी? सेम कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे या नहीं हो गया जी? यस और नो? तो यहां से आपने x माइनस थ्री कॉमन लिया, यू आर लेफ्ट विद x माइनस टू, तो सेम वे से यहाँ पे हमने फैक्टराइज कर दिया इसको, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट बच्चों? कोई डाउट इसमें और कोई क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यस स्टूडेंट्स, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आप करना चाहते हैं जी? यस, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, थर्ड हमने कल कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था, और बताइए कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चों? एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है? सिक्स क्वेश्चन, अच्छा जी, वन माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक है जी, इनटू ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इन दोनों को कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। देखिए कैसे करना है बच्चों इसको, वन माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू इज दिस क्लियर जी? सिमिलरली यहां पे आइडेंटिटी लगा दो फर्स्ट स्टेप में ही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इज इट क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट?
यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए जी। नो। ओके, अब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है जी। दिस विल बिकम साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। यहां से कॉस ए कैंसल हो गया एंड हेयर इट इज राइट डिवाइडेड बाय। अच्छा ये कैंसिल कर दो सीधा, इसकी जरूरत ही नहीं लिखने की। यस ये कैंसिल हो रहा था, इसको कैंसिल कर देते हैं जी यहीं पे। नाउ दिस विल बिकम वन माइनस साइन ए कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो रहा है जी राइट। सो साइन ए विल कम इन द न्यूमरेटर और ये वाले पार्ट भी इससे कैंसिल हो जाएगा। दिस साइन ए विल कम टू द विच इज इक्वल टू। क्लियर है बच्चों? एवरीथिंग एल्स इज कैंसल आउट एक्सेप्ट दिस साइन ए, और ये साइन ए विल मूव टू द न्यूमरेटर और दिस इज आर आंसर। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, इसमें दो आइडेंटिटी लगानी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन। प्लीज नोट करें इसको। ओके समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? नो रिप्लाई। डाउट्स बच्चों इसमें? रिपीट करना लास्ट स्टेप। हाँ जी यहां तक क्लियर है? देखिए बेटा हमने आइडेंटिटीज लगाई, जब आइडेंटिटीज लगा रही है तो सारा कुछ कैंसल हो रहा है। देखिए जब एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। सबसे पहले कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, दिस वन माइनस साइन ए कॉस ए, दिस विल बिकम वन माइनस साइन ए कॉस ए, तो ये इससे कैंसिल हो गया। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए आपस में कैंसिल हो गए। सो ओनली थिंग लेफ्ट इज वन अपॉन साइन ए, सो साइन ए विल कम टू द न्यूमरेटर और साइन ए इक्वल आ जाएगा राइट जी। ओनली थिंग इज आपको आइडेंटिटी लगा के प्रॉपरली इनको कैंसलेशन करनी है प्रॉपरली, ध्यान से राइट। हर कुछ कैंसल हो रहा है इसमें। क्लियर है जी? हाँ जी बच्चे, जिसने डाउट पूछा था क्लियर है आप लोगों को? यस टेन बी से। यस और नो? यस चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइए इन द मीन टाइम कौन सा क्वेश्चन करना है जी। सेवन सेवन। ओके ऑर्डर में चलते जाए मतलब। चलिए सेवन क्वेश्चन। यस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। इफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू पी राइट जी, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स। हाँ जी, सो हाउ वी कैन डू इट? हमें क्या गिवन है बच्चे? सीकेंट एक्स गिवन है राइट। नाउ वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? वन के इक्वल होता है जी। यस और नो? यस नाउ कैन वी मेक इट्स फैक्टर?
यस और नो, व्हाट इज द वैल्यू यस ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स? यहां पे इसके प्लेस में हम पी रख दें बेटा, यहां तक कोई डाउट? हाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स? टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स? 1 by p। बस अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई जी, वन इज दिस वन इज दिस, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं अब हम। आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, राइट और नॉट? देखिए बच्चों आगे, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू पी, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन पी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। टू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू पी प्लस वन बाय पी, एंड सीकेंट एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? टू इंटू, इसको सॉल्व कर लिया। इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर और नॉट? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स इन एनी ऑफ द इक्वेशन, यू विल गेट द टेन एक्स, राइट? बट इजी वे क्या है कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, वन बाय पी तो सब्ट्रैक्ट किया माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। टू टेन एक्स इज इक्वल टू पी माइनस वन बाय पी मीन्स, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से बच्चों? आई एम डूइंग दिस पार्ट हेयर, टेन एक्स विल बी इक्वल टू टू इंटू, राइट और नॉट बच्चों? इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इज दिस क्लियर और नॉट? नो आंसर बच्चों, इज इट क्लियर? यस हाउ कैन यू फाइंड कॉस एक्स एंड साइन एक्स योर सेल्फ? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड इट और नॉट? यस चलिए फिर करके बताइए, अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए, और साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। सॉरी, दिस पी विल बी इन द डिनोमिनेटर हेयर ऑल्सो एज वेल एज हेयर ऑल्सो, राइट? दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर नॉट इन द न्यूमिनेटर, राइट? तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी इज द वैल्यू ऑफ टेन एक्स, एंड पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स, राइट बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है। साइन आप लोग कर रहे हो बेटा या मैं करा दूं? यस टेल मी। We have find the अजय x. We have find cos x. प्लीज फाइंड देन साइन एंड कॉस, वी हैव वैल्यू ऑफ सीकेंट एक्स। अच्छा कॉस एक्स की तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, यहां से देखो रेसिप्रोकल कर दे इसका जी, राइट? यस और नो? दिस यस इज साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दें कॉस एक्स की,
और साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू पी स्क्वायर माइनस वन ओवर टू पी। तो पी कॉस एक्स की वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स? तो कॉस एक्स साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास? ठीक है जी, एनीथिंग नॉट क्लियर? एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई योर सेल्फ एंड टेल मी द आंसर। एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसकी ट्राई करके वैल्यू निकालिए फटाफट से आप। 11/7। अच्छा ऑलरेडी, वेरी गुड। इलेवन अपॉन सेवन कितने लोगों का आ रहा है बच्चों? 11/7 प्लीज रेज योर हैंड। सबका आ गया है? अभी मैं नोटबुक चेक कराऊंगा तो काफियों का नहीं होगा। नोटबुक चेक कर लें आप लोगों की? यस, हाँ जी। सेक्शन 10C में थर्ड बेंच पे दो लोग बैठे हैं जी, एक सरदार जी हैं और साथ एक और है। दोनों अपनी नोटबुक लेके आ जाओ। कर लिया आपने क्वेश्चन बेटा? अब पीछे से पेज ढूंढ रहे हैं कहाँ पे किया है, वो भूल गए हैं किस पेज पे किया उन्होंने, है ना जी? खड़े हो जाओ दोनों, आ जाओ जरा कैमरे के पास, माइक के पास आ जाइए जरा जी, बोथ ऑफ यू, सेक्शन 10C। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी बेटा, मिल गया आपको पेज या नहीं मिला? किसी और की नोटबुक उठा लिया उधर से, किसी और की नोटबुक उठा लिया उधर से, फर्स्ट बेंच से, गर्ल्स में से। हेलो, बेटा यहाँ पे ना 43 इंच की स्क्रीन लग रही है, उस पर सारा कुछ नजर आता है क्या चल रहा है। ठीक है, हर क्लास के लिए अलग स्क्रीन लगी हुई है। हाँ जी, सर आपने पहले करवाया था, किया हुआ है नोटबुक पर पीछे, मैंने सर कब कराया था? अच्छा पिछली क्लास में करवाया था आपने। अच्छा आप पहले बता देते ना, मुझे ये चीज मुझे याद नहीं रही, मुझे लगा शायद आपने अभी अभी कर दिया है। नहीं आपने कराया था उस दिन। चलिए प्लीज, वेरी गुड, बैठ जाइए जी। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया था मैंने, नो नो चलिए वो करा देता हूँ मैं। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें जी। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, सेकेंड दिस। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है जी, यस और नो? तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, जब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री, बीटा आ गया बच्चों 30 डिग्री। तो यस, अल्फा इज 60 डिग्री। 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज 90/3, 30 डिग्री। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू बीटा, दैट इज 60 डिग्री। बस आप तो कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं, अब वैल्यू निकाल के मुझे आंसर बता दो जल्दी से। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री सर 1/2। प्लस साइन स्क्वायर
इसकी वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर प्लस विच विल बी इक्वल टू दैट इज 1/2। ठीक है बच्चों, यस सर नो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, दिस वाज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी दिस इज सी राइट बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन ए प्लस टैन बी इन टर्म्स ऑफ साइड्स एबीसी। नाउ देखिए बच्चों, हमें पता है कि साइड अगर एबीसी है तो ए कौन सी साइड होती है बताइए जरा, इसमें विच साइड विल बी ए स्मॉल ए, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, प्लीज टेल मी विच साइड इज स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, प्लीज टेल मी, कौन बताएगा जी किस साइड को हम एबीसी लेंगे। यस बेटा, देखिए आपने हीरोन्स फार्मूला किया था क्लास 9th में। बेटा ए साइड जो होगी ना वो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड होती है। इफ दिस वर्टेक्स इज ए, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, दिस सी के अपोजिट दिस, इज इट क्लियर जी, इज दिस क्लियर और नॉट। नाउ व्हाट विल बी टैन बी, टैन बी क्या हो जाएगा बच्चों, बी अपॉन ए, एंड व्हाट विल बी टैन ए, ए अपॉन बी, इज दिस क्लियर स्टूडेंट, इज दिस क्लियर और नॉट। यस नाउ व्हाट विल बी द, वी हैव टू फाइंड टैन ए प्लस टैन बी, इट इज इक्वल टू, सो इट विल बिकम प्लीज स्पीक विच स्टेप बेटा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से से। देखिए बच्चों, हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल इज राइट एंगल एट सी, ठीक है जी, तो और साइड गिवन है एबीसी, ए जो साइड होती है वो ए वर्टेक्स के अपोजिट होती है, बी साइड जो है वो बी वर्टेक्स के अपोजिट है, और सी साइड सी वर्टेक्स के अपोजिट है। यहां तो कोई डाउट? नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है टैन बी, जब मुझे टैन बी फाइंड आउट करना है तो दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस, तो टैन बी क्या हो जाएगा, टैन बी विल बी बी बाय, अच्छा ये ए लिखना, ए लिखना था यहाँ पे बेटा, टैन बी इज बी बाय, इज दिस क्लियर जी, टैन बी जो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये एंगल बी है बेटा, इसके अपोजिट साइड जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस होगी, तो टेन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और टेन ए इज इक्वल टू ए अपॉन बी, टेन ए जब आपने लिया तो ए के अपोजिट वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी और कंटेनिंग साइड जो है वो बेस हो जाएगी। अब बताइए कोई डाउट बच्चों यहां तक, इज दिस क्लियर। यस अब आपको चॉइस चॉइस में ये वाला आंसर तो गिवन नहीं है, अब क्या करें, सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय वेरी पाइथागोरस थ्योरम। गुड। आप इसमें देखिए आंसर कितना स्मार्टली उन्होंने प्ले किया है कि आंसर जो है वो ए बी की फॉर्म में दिया ही नहीं है, बच्चे क्या करेंगे यहां तक सॉल्व करेंगे उसके बाद काटा मारेंगे फिर कुछ गलत करके आएंगे पेपर में, होगा ना ऐसा, कितने लोग ऐसा करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड जो लोग ऐसा करते हैं, बस जितने लोगों ने हाथ खड़े किए इतने तो ठीक करने वाले होंगे, बाकी सारे गलत वाले होंगे, है ना, हमारे नेचर होती है ना, हम ठीक को काटते हैं और गलत करके आते हैं, फिर कहते हैं जी पेपर तो सारा किया था नंबर नहीं आए, ठीक है वो सबके साथ होता है राइट। तो यहाँ पे बच्चों हमने इसको रिप्लेस कर दिया, सी स्क्वायर अपॉन ए बी हमारा आंसर आ गया।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना। स्टार्टेड हो गया बेटा? चलिए ठीक है बच्चे, ओके, ऑल दी बेस्ट, दिस वाज आर लास्ट क्लास। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आई कैन टेक अप योर डाउट, यू कैन सेंड योर डाउट्स, राइट जी? ओके बच्चों, थैंक यू।